और प्रभु राजा जी का प्रभु श्री शिव जी के स्थान पे खूबसूरत नृत्य यहाँ पे Thank you.
कार्यक्रम हो गया खत्म। प्रभु जी विश्राम कर चुके हैं और प्रभु जी जाएंगे अपने स्थान पे, और ये वाला स्थान प्रभु सुनाग देव जी का है और अपने दादा जी के चरणों में स्थान मिला हुआ है। ये वाला स्थान यहाँ पे जाएंगे। डिवाइडेशन हो रही है, भोरू पड़ रहे हैं, जो कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में कहा भी है। और यहाँ पे पांच पांच के ग्रुप बैठ रहे हैं, जो कि जिस पर्ची सिस्टम है यहाँ पे गांव में, जितने भी घर हैं उनके मुखिया का नाम लिखा जाएगा और ग्रुप में पर्चियाँ डिवाइड की जाएंगी, और इस तरह पूरे गाँव में हम सभी देवरू डिवाइड होंगे। ये देखिए, और ये ग्रुप में बैठे हुए हैं पाँच पाँच, जितने यहाँ पे घर हैं मतलब उसके हिसाब से बैठे हुए हैं। तो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि क्या डिवाइडेशन पूरी होगी कि नहीं। ये हमारा ग्रुप है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है। हमारे ग्रुप में देखिए हमारे सदस्य और इस साइड है काफ़ी। ये पर्ची है टीटू के हाथ में, देखिए ये ग्रुप पर्ची उठा रहे हैं। इस पर्ची में लिखा गया है जिस घर में जाएंगे उसका नाम, क्या कहते हैं आप? बहुत बढ़िया। यहाँ पे कौन उठाने वाला? हमारे ग्रुप में कौन उठाएगा पर्ची? नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। मैं उठाऊंगा, पक्की बात है। मैं उठाऊंगा जो लकी बंदा होगा, नजदीक दूर जा पाएगा। अच्छा, अगर मैं उठाऊंगा तो नजदीक होना चाहिए प्रभु के चरणों में, है ना? आजमाएंगे, है ना? अभी तो हम ताश खेल। बल बंटी भाई उठाएंगे, देखने की किस्मत। बल बंटी भाई यहाँ पर पर्ची उठाने वाले हैं हमारे। बंटी भाई हमारी पर्ची उठाने वाले हैं, लगता है कैसी किस्मत है, दूर ले जाते हमको कि नजदीक में। अभी आने वाली है यहाँ पर पर्ची। अब बंटी भाई हमारे यहाँ पर्ची उठाते हुए, पता नहीं कहाँ नजदीक ले जाएंगे कि दूर ले जाएंगे। इस घर में हम जा रहे हैं खाने आगे आप करूँगा। बोले किस्मत कैसी है, ये देखिए लाभ सिंह, और इसी घर में जिस घर में पिछले कल थे, और किस्मत काफी अच्छी है प्रभु की, पूरा आशीर्वाद है। बिल्कुल जा रहे हैं हम अपने डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। कहाँ है आपकी डेस्टिनेशन? कानपुर। डेस्टिनेशन कानपुर। हमारी इधर
और प्रभु के बिल्कुल पास सब यहाँ पे गुरु पड़े और काफी अच्छा लग रहा है। सेकंड डे हमारा यहाँ पे, किस्मत मेरी काफी अच्छी, पिछले कल भी मैंने प्रभु को कहा कि नजदीक जैसे हमें रखना चाहिए, और आज तो पर्ची वाला सिस्टम हुआ, तो पर्ची वाले सिस्टम में भी ने कहा था कि आप पर्ची उठाएंगे, देखते हैं कि प्रभु आपको कितना दूर या नजदीक, इन्होंने शर्त रखी थी कि अगर प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो आपको प्रभु नजदीकी मिलेगा, आपको गुरु जो घर आपको नजदीक मिलेगा। और आज साक्षात प्रभु ने देख भी लिया कि प्रभु हमारे साथ है। क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं बस कुछ बोलना चाहता कि प्रभु की भक्ति में लीन है बंटी भाई हमारे, और जो मैंने इनको बोला था हमें नजदीक में ही ले जाना, इसके बाद हम नजदीक में पहुंच गए। किसको बोला था आपने? बंटी भाई को। मेरे को कि प्रभु को बोला था आपने? प्रभु को भी बिलोंग से आपसे करूं मतलब मेरी किस्मत अजमा रहे थे। अच्छा हुआ प्रभु हमको अपने से दूर नहीं लेना चाहते, नजदीक में है। ठीक, प्रभु प्राशन ऋषि जी और प्रभु बनाग देवता जी के पास आरती हो रही है, तो हम जा रहे हैं प्रभु के पास आरती करने के लिए, तो आपको भी हम लेके